अभी जी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी शहर के लिए बाइक। तो अभी चलते हैं पिछली जगह, पीछे जाते हैं वहाँ पर जा खेलते हैं वगैरह, तो वहाँ पर जाके ना वीडियो बना के आते हैं, पीछे चलते हैं। तो ये रहा जी मेन रोड, ये भी बिल्कुल खाली है दूर दूर तक। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, लोग वैसे उठ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा आगे भी चले चुके हैं जो कि सैर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ना, काफ़ी ज़्यादा सुबह जो है वो लोग उठते हैं और सैर के लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज चलता हूँ। तो यहाँ पर कुत्ते काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनका भी एक डर है। तो पीछे इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन अब इस तरफ आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। चलते हैं आगे और देखते हैं, मुझे जाना है इस तरफ जी आगे, ये जो गाँव है इस तरफ जो हमारे घर के बिल्कुल पीछे है, तो मुझे उस तरफ जाना है। तो इस तरफ जी मैं आ चुका हूँ, कोई भी नहीं है इस तरफ रास्ते में, सुबह सुबह टाइम है बिल्कुल। तो उस तरफ हमारे घर है, तो इस तरफ हमारे घर के बिल्कुल पीछे थोड़ा सा गाँव में एक, तो आगे जो है कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो कुत्तों से बस खतरा है मुझे और किस चीज़ से नहीं, क्योंकि आगे कुत्ते हैं, आगे जो है वो कुत्ते हैं थोड़े सारे, 2-3 कुत्ते हैं मेरे ख्याल से, तो वो जो है ख़तरनाक कुत्ते हैं। बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं आगे चल के। और अभी सुबह सुबह सर्दी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप सुबह सुबह। काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम सुबह सुबह उठ के जो है वो सैर पे जाते हैं। मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ इस दफ़ा, लेकिन पहले हम लोग आते थे हैदर वगैरह सब लोग पहले पहले आते थे, अब तो कोई उठता ही नहीं सुबह के टाइम इतना। तो एक कुत्ता वो ऊपर बैठा है, वो सॉरी सॉरी, तो एक कुत्ता जो है वो ऊपर है और एक उस तरफ बैठा हुआ है, बस इन दोनों से खतरा है मुझे। तो अभी थोड़ा सारा सिर्फ और आगे जाएंगे और फिर चलते हैं घर को वापस। तो चलते हैं वापस क्योंकि कुत्ता बैठा हुआ है, इधर से वापस चल देते हैं। वो बिल्कुल ऐसे से किसी के इंतज़ार में बैठा हुआ है ऊपर। तो अभी चलते हैं घर, और घर जाके देखता हूँ वीडियो बनाएंगे कि नहीं, वरना बाद में जो है वो व्लॉग करेंगे, अभी तो इसको ख़त्म कर देंगे। और सुबह सुबह काफ़ी प्यारा मौसम है यहाँ पर, तो उस तरफ हमारा इलाका है वो टाउन में आ जाता है, ये जो एरिया ये सारा गांव में आ जाता है, तो इस सारा जो है ये गांव की तरफ आ जाता है। और सर्दी सुबह के टाइम अच्छी खासी हो जाती है अब तो। ये फार्म है मेरे हाथ से पौधों वगैरह का, तो अभी चलते हैं घर, फिर घर जाके देखते हैं। आगे तो उसने जाने नहीं दिया, अरे जाता भी तो उसने कुछ कहना नहीं था, लेकिन डर उससे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो कल किसी और को भी साथ लाएंगे और दोनों फिर आएंगे सुबह के टाइम। तो अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, इस मोबाइल के अंदर जो है और टाइम लैप्स लगाते हैं, और सनराइज़ अभी थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है, तो उसके लिए टाइम लैप्स लेते हैं। तो अभी देखते हैं किधर रखते हैं इसको, और इस तरफ जो है ना मेरे ख्याल से बारिश आने वाली है आज, कहाँ तो है लेकिन पता नहीं आज रात को कहा है बारिश के लिए। मौसम तो वैसे अभी साफ है, लेकिन इस तरफ से ना बारिश के इम्कान है, इस तरफ से भी लगता है बारिश आएगी। तो अभी लगाते हैं टाइम लैप्स, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रह चुका, थोड़ी देर में सर 5-6 मिनट में ही टाइम लैप्स सनराइज़ हो जाएगा, मेरी सांस फूल चुकी है। तो अभी इस लाइट के साथ मैंने जुगाड़ किया उसका व्यू लेने के लिए टाइम लैप्स के लिए, तो अभी देखते हैं कब तक जो है वो सनराइज़ हो जाता है। वैसे तो कहा है कि 6:30 बजे तक हो जाएगा, तो अभी देखते हैं। बस ये दुआ है कि मोबाइल ना पीछे गिरे, पीछे गया तो सीधा नीचे जाएगा, काफ़ी गहरा ये, बस अब अल्लाह के। तो टाइम लैप्स जो लिए थे मैंने, वो मौसम ख़राब होने की वजह से वो टाइम लैप्स आए नहीं, उसमें कैप्चर ही नहीं हुए, क्योंकि सन जो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिम निकलवाने, आईडी कार्ड में यहाँ से अभी मेरा बना नहीं, आईडी कार्ड बना नहीं अभी, तो सुना है मैंने कि आईडी कार्ड की जो है कि निकलती है सिम की नहीं निकलती, तो अभी चलते हैं, इसको भी नहीं पता ना मुझे पता है, तो अभी जाके देखते हैं कि सिम निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हाँ सिम के लेने गया था, तो सिम जो है वो तो मेरे नाम पर नहीं निकली, उन्होंने बोला कि आपका जो अभी आईडी कार्ड है वो जब बन के आ जाएगा फिर आपके नाम से निकल सकती है, वैसे नहीं। तो रात को ना, तो फिर सिम जो है वो मेरे नाम से नहीं निकली, लेकिन सिम जो है वो मैंने नहीं ले ली है। तो रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तकरीबन
11:30 बजे से लेके रात को 1-2 बजे तक मेरे ख्याल से, जब तक मैं उठा हुआ था तब इतनी देर तक बारिश हो रही थी। तो अभी मैं छत पे आया हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा अपने मुड़के का घर, और ये सारा चेंज हो चुका है। ये आपने देखा था कि छत बन चुका था, अच्छा किया मैंने मुर्गिया ने भी ले गया, तो ये सारा देख सकते हैं आप। तो आपने देखा था कि जब मैंने बनाया था तो घर जो है सारा ठीक था, मगर ये सारा आप देख सकते हैं, सारी मिट्टी जो है वो मेरे यहाँ से नीचे गिर चुकी है, और अंदर से देख लेते हैं अंदर भी सारा जो है वो गीला हो चुका है। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई अभी इसके ऊपर क्या करें, शीट इसके ऊपर दोबारा छत डलेगी, एक शीट लगा के, ताकि जो मिट्टी है ऊपर वो भी अच्छी तरीके से पक्की हो जाए। लेकिन मिट्टी ऊपर रह नहीं सकती, तो हमें छत जो है या तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के साथ बनाना पड़ेगा, या तो इसके ऊपर कोई और चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। तो इधर इधर से पूरा छत ही उड़ चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हवा भी रात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, मेरे हाथ भी गंदे हो चुके हैं, तो रात को हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से यह सारा छत जो है वो ख़राब हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों मेहनत की थी, मैंने और हैदर ने इस घर को बनाने में, लेकिन वो सारे ज़ाया हो चुके हैं। तो काफ़ी मेहनत की थी, मेहनत सारी ज़ाया हो चुकी है, लेकिन अब कोशिश करेंगे इसको ना मिट्टी से नहीं किसी और चीज़ से छत बनाएं, क्योंकि ये मिट्टी से जो है सारा ख़राब हो जाएगा, दोबारा ख़राब होने के चांस हैं, तो मिट्टी से नहीं बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। यार अभी भी चैनल पे कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे जल्द से जल्द, तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। शुक्रिया।